हम सब के सब किचन में बेहद ही ज़्यादा समझदारी से काम करने की कोशिश तो करते हैं, फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और उस वक्त हमें याद आता है कि काश इस काम को सही तरीके से करने का हमें पता होता। तो आज कुछ ऐसी ही किचन की टिप्स और ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो आपका बेहद ही ज़्यादा किचन में मदद करेंगी। सबसे पहली ट्रिक है दोस्तों, फूली रोटी बनाने के लिए। फूली रोटी बनाने के लिए एक चीज़ का खासा ख्याल रखें। हमेशा एक चीज़ का खासा ख्याल रखते हैं हम आटा मलते वक्त इसका पानी गरम कर लेते हैं हल्का सा, कोसा कोसा, और थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। इससे जो आटा हम लिसाते हैं यानी कि मलते हैं, नीडिंग करते हैं, उससे आटा जो है उसका एक एक कण अच्छे से पानी को चूस लेता है, पी लेता है, जिसकी वजह से रोटी में ड्राइनेस नहीं रहती। अच्छी अच्छी मॉइस्ट होने की वजह से जो रोटी है वो अच्छी अच्छी फूली हुई बनती है। तो चलिए इसकी पूरी डेमोन्स्ट्रेशन करके ही देख ली जाए, क्या हम सच में जो कह रहे हैं वैसा हुआ भी हमारे साथ कि नहीं हुआ। हमने आटा अच्छे से मिला, गर्म पानी की वजह से हमने इसको इजीली सॉफ्ट डो बना के एक तैयार कर लिया, और फटाफट से अब इस डो की मदद से एक रोटी को तैयार किया जाए। तो चलिए डो है रेडी, रोटी डाल दी, अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में हमारे को फूली रोटी मिल जानी चाहिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये तो गारंटेड है, वैसे तो लोगों की वैसे भी फूल जाती है रोटी, लेकिन जिनकी फूल नहीं पा रही वो गर्म आटा करके बनाएंगे तो 100% फूलने की आशंका ज़्यादा होती है। तो चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अक्सर हमारे घर में जो बिस्किट्स होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, सीलने लग जाते हैं पैकेट, कभी कभी ज़्यादा दिन हो जाता है लाए हुए, या फिर ठंड या फिर मॉनसून का सीज़न है उसमें मॉइस्चर बिस्किट जल्दी पकड़ लेता है। एक पैन पे थोड़ी सी सिल्वर फॉइल लगाएं ऐसे, और फटाफट से बिस्किट का पैकेट खोलते हैं जो हमारा सील गया है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेंड्स, ये बिस्किट का पैकेट हमारा थोड़ा सा सील गया था। बस हमने ये सारे बिस्किट्स को, अब वो जो तवा थोड़ा सा गर्म होने रखा है जिसके ऊपर हमने एक फॉइल लगाई है, उस बिस्किट्स के ऊपर फटाफट से अब रख देते हैं, उस फॉइल के ऊपर इन बिस्किट्स को फटाफट से रखते हैं। फटाफट से इन बिस्किट्स को हमने रख दिया। दोस्तों इनको ज्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ ही समय में फटाफट से ये क्रिस्प हो जाएंगे, देखना अभी। तो दोस्तों आप भी अपने बिस्किट्स को ऐसे क्रिस्प कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने घर में कस्तूरी मेथी अगर बनाना चाहते हैं तो मेथी भी अगर इसके ऊपर रख देंगे तो आपके पास कस्तूरी मेथी भी बनके तैयार हो जाएगी, एकदम फ्रेश घर की नेचुरल। तो मेरे बिस्किट्स को मैंने रोटेट कर दिया, इनकी साइड को रिवर्स कर दिया ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाए, और बस हमारे को मिल जाएगा इसका पूरा 100% बेहतर रिजल्ट। फटाफट से अपने मैं इन बिस्किट्स को ले लेता हूँ। बस आप भी अपने बिस्किट्स को ऐसे ईजिली ही क्रिस्प कर सकते हैं, बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं। तो फटाफट से चल लेते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, अगली ट्रिक की जब बच जाती हैं थोड़ी, चार पांच जब भी हम दो तीन पैकेट लाते हैं पैकेट में, तो हम क्या करें जिससे वो खराब ना हो। उसके लिए आज एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको ना एकदम नीचे से ऐसे गोल गोल घुमा करके रोटेट करें। आसान तरीका है, आपको इसमें ना रबर लगाने की जरूरत, ना टेप लगाने की जरूरत, ना कुछ, बस गोल गोल घुमाया कर दिया पैकेट। इससे क्या होगा ना, एयर जाएगी, फ्रेश रहेगी आपकी ब्रेड, ना आपने कोई ऐसी चीज लगाई जैसे कि रबर टेप जिससे आपका समय लगे और बार बार खोलने में दिक्कत हो। एक बार फिर से करके दिखाते हैं, बेहद ही ज्यादा आसान है, बस गोल गोल रोल करा अगली ट्रिक की तरफ, और उसके बाद पैकेट को उल्टा, आपका समय बचा, ब्रेड फ्रेश रही, फ्रिज में रखें, बाहर रखें, कभी खुलेगी नहीं, और आसानी से आप खोलना चाहेंगे जब अपने हाथों से तो खुलेगी। तो मजा आ गया दोस्तों, अगली ट्रिक है दोस्तों, लगभग किसी को मान लीजिए घर पे आटा घूमने भी होती तो गोल रोटी नहीं बनानी आती, लेकिन कभी अब जैसे कि आप यही देख लीजिए ये रोटी जा रही है, लेकिन यहाँ पे रोटी को गोल पूरा बेला नहीं जा पा रहा है। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, लेकिन क्या कर सकते हैं, बार बार एक ही तरह की गोल गोल रोटी तो बनाई नहीं जा सकती, और कभी कभी किसी को आता भी नहीं होता अगर नई नई ट्रेनिंग है, मानता नया करना काम शुरू किया है तो इस सिचुएशन में आप क्या नहीं बनानी आती। सबके घर में ऐसा कटोरा तो जरूर होगा बड़ा, ये रोटी गोल नहीं थी तो हमने एक ऐसा बड़ा कटोरा लिया, इसको उल्टा कर लीजिए और ऐसे इससे इसकी मदद से गोल रोटी निकाल लीजिए। इससे दोस्तों आपको इजीली गोल रोटी मिल जाएगी और आप तो बहुत ही बढ़िया हो गए। इससे क्या होगा, आपकी हमेशा रोटी भी एक ही साइज की बनेगी, एकदम गोल बनेगी, एकदम फूली फूली बनेगी। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, रोटी सिर्फ गोल ही नहीं बनी, गोल के साथ साथ फूली फूली भी बनी है। देखिए रोटी तो एकदम गोल है ही, आपके सामने है नजरों के, लेकिन अब फटाफट से इसको जब हम सेकेंगे एकदम हुई गोल रोटी को, तो सच में फूली फूली भी ही बनेगी। फूली फूली का एक हमने ट्रिक वीडियो में पहले भी बता दिया था आपको, गर्म पानी से हमने आटे को गूंदा था और अभी उसी आटे का हमने इस्तेमाल भी किया है, रोटी भी गोल है और आसानी से फूल भी जाएगी और एकदम गोल तो आपको दिख रही है पानी से जो मला था। तो अब आपको भी इस बात का झंझट लेने की जरूरत नहीं कि आपकी रोटी गोल कैसे है। जब तक ये रोटी बोलती है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, पता नहीं कब किसकी मदद के लिए बहुत ही काम आ जाए।
तो होती ही हैं और ये हमारे क्लीनिंग में बेहद ही ज्यादा मदद करती हैं। लेकिन कभी कभी ये फिनाइल खत्म हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करें? जब आपकी कोई भी फिनाइल खत्म हो जाए तो आप घर पे ही इजीली एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट बना लें जो आपके फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर सके। उसके लिए हमने एक पानी ले लिया, थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऐड कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से करा रिएक्ट। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा विनेगर डालें, साथ ही में दोस्तों फिट करी फिनाइल की गोली जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ऐड कर लें। बस इसे अच्छे से घुमा लें, आपका होममेड डिसइंफेक्टेंट तैयार है। विनेगर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर फिट करी और फिनाइल की गोली, इसमें से फिनाइल की गोली अगर आपके पास नहीं है तो भी आप शायद काम चला लें, डिसइंफेक्टेंट तो अच्छा बन चुका है। तो चलिए अपनी अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अक्सर घर में चीनी में डर होता है कहीं कीड़े ना आ जाएं, छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े घुसने लगते हैं। थोड़ी सी लौंग डाल के रखें और एयर टाइट कंटेनर में रखें, इससे आपकी जो चीनी है उसमें ईजीली कीड़े नहीं एंटर होते। कोशिश करें ये थोड़ी दब भी जाए तो भी बढ़िया रहेगा। बस कर लीजिए पैक। अगली ट्रिक जो है दोस्तों वो है एक चटनी को लेके। क्या आपने कभी चने की दाल की और हरी मिर्ची की चटनी बनाई है? और क्या आपको मालूम है इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चने की दाल थोड़ा भिगाना है, थोड़ी लाल मिर्ची भिगानी है और थोड़ी इमली का इस्तेमाल करना है और एक पैन लेना है। दोस्तों ये चटनी इस्तेमाल होती है डोसे की चटनी के साथ। डोसे में दो तरीके की चटनी होती है, एक नारियल की और एक हरी मिर्ची और टमाटर की। तो हम दूसरी वाली बना रहे हैं। इसमें हमने जीरा लहसुन भीगी हुई लाल मिर्च और भीगी हुई चने की दाल डाली है। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बढ़िया से सॉटे कीजिए क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी सख्त होती है। थोड़ा सा अनियंस डालें और फिर इसे सॉटे करें। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चीज भी ऐड करेंगे, तो चलिए हरी मिर्चीज भी ऐड कर ली। इसमें टमाटर भी जाएगा क्योंकि वो थोड़ी सी टमाटर की भी चटनी होती है। जब तक ये चटनी तैयार हो रही है प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जाएगा आप टमाटर इसके रेडिश बढ़िया कलर देने के लिए। बस भाई मज़ेदार बन गया है। तो अब इसको भूनने के बाद हमें इसमें मसाले डालने हैं। हमने सबसे पहले नमक डाला, लाल मिर्ची पाउडर डाला, थोड़ा सा हमने सांभर मसाला ऐड किया। आप चाहे तो पाव भाजी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा किचन किंग भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी, टोटली अप टू यू। वैसे किचन किंग और धनिया पाउडर रहने दें क्योंकि इसका थोड़ा सा खुशबू अलग होती है। थोड़ा सा इमली का पानी डाला खटास के लिए और अब हम इसे फटाफट से पीस लेंगे। हमारी बढ़िया टमाटर की चटनी तैयार होगी। आप देख लेना बहुत ही खूबसूरत इसका टेक्सचर आने वाला है। जब तक आप इसको अच्छे से बन के फाइनल स्टेज में देखते हो मैं चलता हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें फ्रेंड्स और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं।